जनपद मुजफ्फरनगर के विकास भवन स्थित सभाकर में आज केंद्र राज्य मंत्री व सांसद डॉक्टर संजीव बलियान ने काउस चोरी को लेकर अधिकारियों व कंपनियों के निर्माणकर्ताओं के साथ एक बैठक की। आपको बताते चले कि लगातार मंत्री संजीव बलियान काउस चोरी के निर्माण व रखरखाव को लेकर व व्यवस्थाओं को लेकर संवेदनशील है। वहीं मंत्री ने अभी तक काउस चोरी की अपडेट अधिकारियों से ली। वहीं बता दें कि डीएम अरविंद मलपा बंगारे और सीडीओ संदीप भागिया से बातचीत करते हुए सम्मिलित व समाज सेवियों की काउ से चोरी में प्रतिबंधता व कार्य करने को लेकर सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। काउ से चोरी में लगभग 5000 गांव को रखने के लिए लगातार निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। काउ से चोरी में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत खर्च किए गए हैं, जिसको लेकर मंत्री संजीव बलियान अब चिंतित है। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। काउ सेंचुरी की बैठक की प्रगति के बारे में सीबीओ ने बताया है और 31 अक्टूबर लास्ट उसकी दी गई है कि 31 अक्टूबर तक वहाँ काम पूरा हो जाए, फिर उसको चलाया जाएगा। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल हो रहा है, आज नगर पालिका की बोर्ड बैठक थी, करोड़ों रुपए के प्रस्ताव पास हुए हैं, लेकिन जब समापन की बात आती है और वंदे मातरम गान होता है तो मुस्लिम सभासद बैठे रहते हैं, बाकी सभासद खड़े रहते हैं, लगातार दोनों बैठे। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम पर सबको खड़ा होना चाहिए।